इस समय जम्मू के रेलवे ट्रैक पे ये तस्वीरें हो रही है। देखिए, वंदे भारत को लोगों ने जो है वो जनाब रोक दिया गया है, और पानी को लेके एक बड़ा विवाद देखने को मिला, जिसमें देखिए लोग जो है वो रेलवे ट्रैक पर हम आपके साथ हैं, उस मसले में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम समस्या है, दूसरी गाड़ी रोक लेंगे, फिर आ जाओ साइड पे, आप लाएंगे रोक लेंगे बंद इस गाड़ी को जाने दो, उसके बाद आप समस्या लेके हम ऑफिसर के पास पहुँचाएंगे। जब तक वो आते हैं, जब तक जब वो आ जाएंगे ध्यान दे रहे हैं, आप थोड़ी देर के लिए हटो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, आप मेरी बहन है वो सारी, हम आपके साथ उलझना नहीं चाह रहे, एक मिनट पहले बात सुनो, हम ये कह रहे हैं आपकी जो समस्या वो ऑफिसर तक पहुंचाने में टाइम लगेगा, 10-15 मिनट लगेंगे, जब तक इधर हो जाओ, अगर नहीं सो ऑफिसर नहीं मौके पे आते फिर आ जाना, ये 2 मिनट साइड में होकर देखो मेरी बात, हमें ऑफिसर को बुलाना है, लोग हैं जिन्हें पानी काफी समय से नहीं मिल रहा, ऑफिसरों को बुला रहे हैं ना, हम लोग कह रहे हैं हम लोग नहीं जाएंगे, ये बोल रहे हैं आप, एक बार यहाँ बोल दो ऑफिसर, ऑफिसरों को हमारा काम ऑफिसर को आगाह करना, हम ऑफिसरों को आगाह कर रहे हैं ना, आगे ऑफिसर चलिए चलिए देवी जी आ जाए, चलो हम आपके समस्या बिल्कुल जायज है, हम लोग नहीं पानी और भी लोग परेशानी बहुत बढ़ेगी, बिल्कुल सही बात है, एडीआरएम साहब के पास चलते हैं ना, वहाँ समस्या का समाधान वहीं पर होगा, 4 महीने हो गए, हाँ वो बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल परेशानी है, सही बात है, गाड़ी रोकने से तो दिक्कत हो जाएगी ना, और लोग परेशानी हो जाएंगे, नहीं तो 4 महीने वंदे भारत रुकी है, तो इसलिए हमसे बात करने आए, यहाँ कोई अंदर जाए नहीं, हम जानते गलत है लेकिन हमारे साथ गलत हो रहा है, इसलिए हम गलत करने पे थोड़े मजबूर हो गए, गलत है, मैं जानती हूँ गलत कर रहे हैं, बहुत गलत है, हम पैसेंजर को बेमतलब तकलीफ दे रहे हैं, ये भी जानते हैं, हम जानते हैं गलत है, ट्रेन को रोका गया है, कोई बात बिजली उन्होंने उन्हें अपनी मांगों को लेकर यानी कि पानी की किल्लत को लेकर लाइट वाले डी साहब से बात कर लूंगा, अगर मैं इंश्योरेंस दे रहा हूँ तो मैं ये नहीं है कि मैं आपको 2 दिन बाद फिर आप आ जाएंगे, भरोसा उठ गया ना, 2 साल हो गए, दो साल पहले मैं नहीं था, मैं अभी फरवरी में आया हूँ, लेकिन मैं फरवरी से प्रयासरत हूँ कि किसी तरह से यहाँ ट्यूबल लग जाए और आने वाली गर्मियाँ जो इस गर्मियों में कुछ नहीं सर, ये तब तक हम लोग 5 महीने लगते हैं ट्यूबल लगने में, ये नहीं बोल सकता ना कल ट्यूबल लग रेंट माफ करने का पावर इनके हाथ में नहीं है ना, पानी देने का पावर हैप्पीली जो मन में आ रहा है वो बोली जा रहे हो, दिस इज नॉट द वे, हमारे साथ तो 2 साल से हो रहा है,
मैं आपकी बात को संजीव जी से लिया है, मैं आपकी समस्या जेन्युइन है। टंकी में पानी अभी भी टैंकर वहाँ खड़ा है, दो लोग नीचे से ले सकते हैं, ले लीजिए। जितना पानी हमें करना नहीं चाहिए उतना पानी नहीं मिल पा रहा है। कुछ पानी भाई टैंकर के थ्रू सप्लाई किया जा रहा है, लेकिन उससे भी ये लोग संतुष्ट नहीं है। तो हमने ये मामला अभी उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया है कि सर ऐसा है कि पानी कम है टोनी में और इसको पानी उपलब्ध करवाया जाए। आशा करते हैं आज शाम तक कोई सोल्यूशन निकल आए। सभी अधिकारी अभी स्टेशन पे आएंगे और उनसे चर्चा करेंगे, तो शाम तक कोई सोल्यूशन निकल आता है तो बता दी जाएगी। गर्मी की ट्रेन रोकी गई, वंदे भारत लगभग 15 मिनट इन्होंने रोकी है और इनकी सहमति से हमने ट्रैक खाली करवा के वंदे भारत में चलवा दिया है। सर अभी क्या इस पे किया जाएगा, ये क्योंकि आपके रेलवेज की देखिए बाहर के लोग तो है नहीं, पानी की कमी, इस भीषण गर्मी में पानी तो सबको चाहिए। अब पानी की कमी महसूस हुई है तो जब इनकी किसी ने ना सुनी होगी तभी आकर ये ट्रैक पे बैठने में मजबूर हो गई है। तो मामला हमने उच्च अधिकारी को संज्ञान में फिरोजपुर और दिल्ली तक ला लिया है। आज शाम तक इसका रिजल्ट आने की संभावना है कि क्या इसका डिसीजन लेते हैं। आपका नाम? मैं जुगल किशोर, स्टेशन अधीक्षक जम्मू तवी रेलवे स्टेशन। ये आप ये देखिए, रास्ता दे दिया गया है और ये तस्वीरें देखिए यहाँ पे लोग। पानी की बहुत असुविधा है, वहाँ पे पानी मिलता ही नहीं है, इतना मुश्किल है कोई साहब नहीं। आज तीसरी मंजिल में आज 3 महीने हो गए, आज पानी आ गया, आज आएगा, कोई नहीं आता पानी, आता ही नहीं पानी, इतनी मुश्किल है बच्चों लेके तीसरी मंजिल में पानी कैसे चढ़ेगा बताओ। बाहर के मेल भी इस कॉलोनी में रहते हैं, हमारे एक साल से पानी की इतनी दिक्कत है कि हम बाल्टियों से पानी ऊपर लेकर जाते हैं, एक एक दो दो बाल्टी में पानी मिलता है, वॉशरूम के लिए पानी चाहिए, बच्चों को शावर के लिए पानी चाहिए। हम 3 महीने से इतनी स्ट्राइक कर रहे हैं पानी के लिए, कोई नहीं सुनता है। यहाँ पे बेस्ट क्लब में कंटिन्यू पानी जाता है, टाइम पानी लेते हैं, इधर भी कोई सुनवाई नहीं है। आपके साथ छोटे मोटे बच्चे भी आए हैं, हम बहुत मुश्किलों से गुजर रहे हैं, ये वही समझ सकते हैं यहाँ पे रहेगा। इन लोगों ने हमें ऐसे समझा जैसे हम दिहाड़ी लगाने वाले लोग हैं, आए हैं बाल्टी से पानी भरेंगे अपने।